ये कौन जीवकार है बला कशा सवाद है ये कौन जीवकार है बला कशा सवाद है के है हजार कातिलों के सामने डटा हुआ ये बिल यकी हुसैन है नबी का नूर है ये बिल यकी हुसैन है नबी का नूर है हुसैन है नबी का नूर है हुसैन है नबी का नूर है शब्बीर तेरे बारी जाऊं शब्बीर तेरे बारी जाऊं ए दिलबर शाहे कौनो मका शब्बीर तेरे बारी जाऊं ए दिलबर शाहे शब्बीर तेरे बारी जाऊं दुनिया में कोई तुझ सा है कहां शब्बीर तेरे बारी जाऊं दुनिया में कोई तुझ सा है कहां शब्बीर तेरे बारी जाऊं ईमान ओ यकी के गुलशन में मुद्दत से खिजां का मौसम है ईमान ओ यकी के गुलशन में मुद्दत से खिजां का मौसम है आजा बन कर अब रे बारा शब्बीर तेरे बारी जाऊं आजा बन कर अब रे बारा शब्बीर तेरे बारी जाऊं इस्लाम के कसरे आली की तामीर तेरे ही खून से है इस्लाम के कसरे आली की तामीर तेरे ही खून से है ये मेरे ख्वाजा का बयां शब्बीर तेरे बारी जाऊं है ये मेरे ख्वाजा का बयां शब्बीर तेरे बारी जाऊं कब होगा करम ए जान करम देते हैं सदा तुझको हर दम कब होगा करम ए जान करम देते सदा
तुझको हर दम, ये कल्बे तपा और सोजे नेहा, शब्बीर तेरे वारी जाऊं, ये कल्बे तपा और सोजे नेहा, शब्बीर तेरे वारी जाऊं। कासिम हर दम है ये ही दुआ, मैं पहुंचूं दयारे करबो बला। कासिम हर दम है ये ही दुआ, मैं पहुंचूं दयारे करबो बला, और अर्ज करूं यूं जाके वहां, शब्बीर तेरे बारी जाऊं, और अर्ज करूं यूं जाके वहां, शब्बीर तेरे बारी जाऊं। कासिम हर दम है ये ही दुआ, मैं पहुंचूं दयारे करबो बला। कासिम हर दम है ये ही दुआ, मैं पहुंचूं दयारे करबो बला, और अर्ज करूं यूं जाके वहां, शब्बीर तेरे बारी जाऊं, और अर्ज करूं यूं जाके वहां, शब्बीर तेरे बारी जाऊं, शब्बीर तेरे बारी जाऊं। श्री बाकरगंज में खानकाह आलिया न्याजिया अल्हाज शाह मोहम्मद नैदी मियाँ साहब हबला मदद लव आली की जानिब से अक्षम कुशाई की रस्म अदा की गई। आज से मुहर्रम हराम का आगाज़ हो गया, जो माह मुहर्रम हमारे दीन को ज़िंदा करने का महीना है, जिस महीने में मेरे आका सैयदुल अंबिया सरवर कौन मुकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर सैयद शहदा सरकार अबा अब्दुल्ला मामा हुसैन अलैहि सलाम ने अपनी अपनी आल की और अपने अफाक की एक क़ुरबानी देकर दीन इस्लाम को ज़िंदा कर दिया। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह की को ज़िंदगी अता कर दी, जो आज दुनिया में सदाएँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह की गूंज रही हैं। आज जो अजानों की सदाएँ मस्जिदों से आ रही हैं, जो नमाजें हैं, आयम हज है, आज तमाम आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की वजह है कि आज तमाम आलम दीन इस्लाम की रोशनी से जगमगा रहा है, वो मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का। आज जो दिन जो मुहर्रम शुरू हो रहा है, वो गम से शुरू हो रहा है। मेरे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, इस गम को मेरे आका सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मनाया। आपके आँख से शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खबर सुनकर आज जारी हुए, लिहाजा तमाम मुहिब्बान ने आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गम हुसैन मनाते हैं, और ताज़िया दारा अलमदारी इमाम के गम ही एक ऐलान है कि इमाम के गम को हम आंसुओं से मनाते हैं, हर याद इमाम की मनाते हैं, जिसको देख के हमारे आँख से आंसू जारी हो जाए। मेरा आज तमाम हजरात से ये कहना है कि जितने ताज़ियादारान अलमदारान हैं, अदब से एहतराम से
और मोहब्बत के साथ, और इस बात का सबूत देते हुए कि वाकई में हम लोग हुसैनी हैं, अपने किरदार से भी इसको साबित करते हुए हम आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाएंगे, और 10 मुहर्रम तक जुलूस ताज़ियों के अलमों के जो आते हैं बाकरगंज में, वो आज तो करबला शरीफ इमामबाड़े में जो आज कमेटी अलील साहब सदर और सेक्रेटरी सैयद हबीब हुसैन साहब और जनाब सरदार साहब, ये तमाम अरकान जो है करने की करबला ये मौजूद हैं, और आज तमाम बरेली के आवाम से ये अपील करते हैं कि यहाँ पर जितने भी जुलूस लाएँ ताजिए के 10 मुहर्रम को अलम शरीफ आएँ, अदब के साथ आएँ और अदब एहतराम का ख्याल रखें, क्योंकि देखिए हजरात के इमाम आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमारे दीन इस्लाम की ज़िंदगी अता करी है, वही महीना इस्लाम की ज़िंदगी का महीना है, लिहाजा हमें अपने किरदार को भी बात सामने रखना चाहिए कि इमाम आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान दे दी, हाथ गरीब के हाथ में दिया, जैसे सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि शाहत हुसैन बादशाहत हुसैन दीनत हुसैन दी पनाहत हुसैन सरदार नदार दस दस्त जदीद अका के बिना ला इलाहत हुसैन के मौला हुसैन बिना है कलमा ला इलाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के, इनके हुजूर ने फरमाया था कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ, ये जो कुर्बानी है हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की थी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शक्ल हुसैन में करबला में मौजूद थे, जो कुर्बानी थी दी सरकार ने अब बिना फरमाते हैं कि दिल बिगी दामन सुल्तान ने और लिया, यानी हुसैन इब्न अली जान ने और लिया, वजारत नियाज हश वक़्त उम्मीद बा हुसैन बा औलिया हश्र मुहिब्बान ने औलिया के दिल से दामन हुसैन थामिए अदब थामिए, और अपने दिल में आका हुसैन की मोहब्बत को बढ़ाई ऐसे बताइए कि अपने अंदर ऐसा गम तारीख किए लोग देख के कहें कि ये वाकई में इमाम के गम में गम ज़दा हैं, आपकी हर हरकत से हर फैल से इमाम आका हुसैन साहब का गम जाहिर होना चाहिए, ये तमाम लोगों से इल्तिमास है कि हम मुहर्रमदार ताज़ियादार इमाम की याद को आंसुओं से मनाते हैं, और हमारी जो नियत है वो अल्लाह जानता है कि अल्लाह को रोशन है कि हम इमाम की जो जो काम करते हैं उसके पीछे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करने की कोशिश करते हैं, कि आपने आका की शहादत की खबर सुनकर आँखों से अश्क बहाए थे, हमारी कोशिश होती है हमारा जो भी फैल हो वो इसी फरमा हो उसकी हर नियत कि हमारे आँख से आंसू बह जाए, लिहाजा आप तमाम हजरात अदब अदाब के साथ मुहर्रम शरीफ में शिरकत करें और तमाम ताज़ियों को और अलम के जुलूसों को अदब से लाइए, और करबला कमेटी इंशाल्लाह ताला हर तरह से यहाँ पर ताबुन रखती है, दिलजान से लगी रहती है, ये इंशाल्लाह ताला और इमाम आका हुसैन अलैहिस्सलाम की शहीदान करबला से ये दुआ है कि मौला हुसैन के सत्ते में हम तमाम अदादारों की परेशानी दूर फरमाएँ, इंशाल्लाह जितनी भी मुश्किलें हैं हम लोगों की जो भी बीमारियाँ आजारियाँ दूर फरमाएँ और मुहर्रम शरीफ इंशाल्लाह ताला बहुसन खूबी खैर आफियत के साथ अमन अमान के साथ पाए तकमील भी पहुँचे और शानदार तरीके से ये इसकी तकमील हो, हमें हुसैन पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाए, हमें हुसैन अश्तफर्ज जो है आका हुसैन की सदाएं गूंजे इंशाल्लाह, हमारी हर बड़ा मुसीबत दूर हो, हमारी हर परेशानियाँ मान सत्कर में करबला वालों के मनाएँ, और आमीन आके मैं कमेटी वालों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको जो है ज़्यादा खैर दे, आमीन तौफीक दे शहादत दे, आमीन आका हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में खिदमत करने की, आमीन आमीन। सैयद सज्जाद मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन अहसन वास्ता सैयद अली अकबर अहसन वास्ता